माता जी के देखो पोस्टर लगे हुए हैं सब पे, ये रश है यहाँ पे, ध्वजा लगी हुई है ऊपर, ये देखें सारी, ये सारी बसें इंग्लैंड के लिए। अभी रात के 4:30 बज रहे हैं और 4 बजे हम निकली है इस साइड पे, और इस साइड पे हमारी बस है जो आई है इस साइड। गाइस तो फाइनली हम शिव मंदिर के पास पहुंच गए और सामने ही शिव मंदिर है, इस तरफ चलते हैं। अभी रश लगा हुआ है, देखें यहाँ पे यात्री आए हुए हैं, इंग्लैंड की बसें हैं और इस तरफ भी। जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और हमारे नए व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। और कल जहाँ हम रुके थे माता भवानी के मंदिर में, वहीं से ही अब जा रहे हैं हम अगले सफ़र के लिए, जो कि होने वाला है कराची में, शिव मंदिर है। और रात हम देर से पहुँचे थे 1 बजे, तो यहाँ पे 2-3 घंटे हमने वेट आराम किया था ताकि आगे अगले सफ़र के लिए। इस मंदिर माता रानी का मंदिर है, तो वहाँ पे मंदिर में जाकर आपको दिखाएंगे। ये सामने हमारी बस खड़ी है और अभी हम निकलेंगे यहाँ पे बस की तरफ। ये अभी रात के 4:30 बज रहे हैं और 4 बजे हम निकल रहे हैं कराची के लिए। अभी 1 दिन और लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। तो अभी हमारी बस जो है इंग्लैंड माता यात्रा की वो है ना कराची के अंदर एंटर हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे समुंदर है सीवीओ, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे और घूमने के लिए बस रोकी है यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, क्योंकि सुबह 4:30 बजे निकली थी और 6 बजे अभी पहुँची है, तो तकरीबन 2.5 घंटे लगे हमें। तो यहाँ पर थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर आगे एक मंदिर है शिव, भगवान शिव का, शिव शंकर का मंदिर है, वहाँ पर भी हम विजिट करेंगे। तो पीछे आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पर समुंदर है, यहाँ काफ़ी सारी है यात्री जो है वो उतर चुके हैं बस से, और आगे भी हमारी एक बस खड़ी है, ये भी जा रही है कराची सिटी है। यहाँ पर इंटर हो चुके हैं सुबह 6:30 बजे हम, तो ये समुंदर है, यहाँ पे भी चलते हैं और यहाँ का भी व्यू दिखाते हैं आपको। तो चला राम भाई, कैसा रहा सफ़र? बहुत बढ़िया रहा यार। हाँ आप बहुत बढ़िया खड़ी है इस साइड पर, और इस साइड पर हमारी बस है जो आई है इस साइड। ये भाई है हमारे साथ मौजूद, आपका नाम? शायद भाई है। रिक्शा चलाता है? कितना कमाता है दिन में भाई? 2000-1500 कमाता है। तो मैं व्लॉग बना रहा था, बोले मुझे व्लॉग मिला था। हमें भी डालो भाई, हम भी इधर ये समंदर पे आए हैं सुबह, अभी 7 बजे सवारी लेके भाई सैफी कॉलेज यात्री से आए, नाजमाबाद एस ब्लॉक, एस ब्लॉक नाजमाबाद से ही आए, कराची में ही है सवारी लेके, मशहूर जो हैदरी है मार्केट, मशहूर हैदरी मार्केट, वहाँ से आए। ओके भाई, खुश रहो। अभी हम कराची के अंदर एंटर हुए हैं, तो तकरीबन 1 दिन और लग जाएगा, शाम तक हम पहुंच जाएंगे तकरीबन माता इंगलाज के करीब ही। आज रात में पहुंचेंगे या सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे। तो अभी जो है वो यात्री काफ़ी जा चुके हैं आगे, तो मैं पीछे रह गया था थोड़ा, क्योंकि मैंने वो जैकेट पहना, स्वेटर पहना हुआ था, क्योंकि रात में बारिश हुई थी ना, तो बारिश ऊपर हम छत पर बैठे हुए तो सर्दी लग रही थी। तो अभी यहाँ से उतरे हैं तो थोड़ा गर्मी का मौसम है, तो मैंने उतार लिया था। ये कराची का समुंदर है और अभी का यात्रा की बस जो है वो कराची पहुंची है यहाँ पर। तो यहाँ पे शिव मंदिर है, वहाँ पे भी जाएंगे और दर्शन करेंगे, और यहाँ से थोड़ा व्यू लोग घूम लें फिर जाते हैं वहाँ पे। का कुछ है व्यू यहाँ पे, ये सारे हिंदू भाई है जो आए हुए हैं इंग्लैंड यात्रा के लिए, जितने भी है ना सारे हिंदू भाई हैं। ये एक चक्कर कितने? 500 रुपये दिए? 100 रुपये दिए। अब मुझे भी 400 रुपये दिए। 400 रुपये वापसी दिए? हेलो, बढ़िया लगा सफर यार। अच्छा,
अच्छा। चलो तो ये तो घूम के आ गए हैं, लेकिन मैं नहीं। और अब ऐसे करो आप, देखो नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा ऐसा कुछ भी नहीं यार। अच्छा घूम लिया है काफी लोगों ने, और अभी जा रहे हैं वापसी, मंदिर भी जाना है और वहाँ तक आगे का बहुत ज्यादा सफर है। और बैठे हैं इतनी रश है कि जगह ही नहीं है बैठने के ऊपर। जलाराम देखो कहाँ पे बीच में जाकर बैठा है। चला बीच एंट्री, बीच एंट्री की जगह है। ये मंदिर आने वाला है अभी ना, सीधे ही सामने इस बिल्डिंग के बराबर मंदिर है। ये दरगाह है अब्दुल्ला शाह गाजी की इस साइड पे, और इस साइड पे इसके बिल्डिंग है, उस तरफ ही मंदिर है और बिल्डिंग के बराबर में भी है। ये बसें आई हुई, यही माता इंगलाज के लिए आई हुई हैं। अभी कितनी बसें हैं देखना, सारी माता इंगलाज के लिए बसें आई हुई है, एक दो ऐसे। ये भगवान की ध्वजा लगी हुई है ऊपर, ये देखें सारी, ये सारी बसें इंगलाज के लिए। ये रश लगी हुई यहाँ पे कराची में है ना, ये माता इंग्लैंड की तरफ जा रही है सारी बसें। ओ ये सामने मंदिर है, पहली यात्रा के फाइनली हम शिव मंदिर के पास पहुंच गए, और सामने ही शिव मंदिर है, इस तरफ चलते हैं अभी। यह महीना 2000 ये सामने ही रश लगा हुआ है, देखें यहाँ पे यात्री आए हुए हैं, इंग्लैंड की बसें हैं, और इस तरफ भी रश है। इस तरफ देखेंगे हाल है मंदिर का बना हुआ, और सामने ही हम मंदिर में जाएंगे इस तरफ। ये कराची सिटी है, व्यू है कराची का। मंदिर में जा रहे हैं हम, क्या है डीजल, डीजल नाम आपका? सूरज कुमार, सूरज कुमार नाम है, मंदिर जा रहे हैं जी। हाँ और चलो भाई मंदिर पहुंच गए। हाँ हाँ भाई, हम कहीं पहुंचने वाले मंदिर के सामने जो देख रहे हैं वो है शिव जी का मंदिर। तो शिवियों से होके अब आए शिव जी के मंदिर के, वहाँ पर शिव जी के दर्शन कराते हैं, तो चलते हैं शिव जी की मंदिर की तरफ। तो भाई चलते हैं शिव जी के मंदिर की तरफ। लगी हुई है भगवा कलर की, जय माता दी लिखा हुआ है ऊपर, आप देखें तो इस तरफ भी रश है, काफ़ी रश है। इस तरफ मैं दिखाऊं तो काफ़ी लाइन लगी हुई है बसों की, और वहाँ तक जब भी मेला लगता है ना तो इसी तरह रश होता है। आज तो रश बहुत कम है, कल बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, तो हम लेट निकले हैं थोड़ा यहाँ से, तो इस वजह से लेट इतना रश होता है यहाँ पे जब भी मेला लगता है, क्योंकि माता इंगलाज का मेला है तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, तो इस हिसाब से बहुत मेला रश होता है यहाँ पर। गाड़ी है जिसमें हम अभी आए हैं, और यहाँ से, और ये हमारी गाड़ी है, ठीक है। इस साइड भी गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी, लेकिन इसी गाड़ी में हम आए। चलते हैं अंदर मंदिर के, और अंदर का भी व्यू दिखाते हैं। ये इस गाड़ी का कंडक्टर है, क्या नाम है? सद्दाम, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन नाम है, मुस्लिम है। ये भी इनकी गाड़ी है, ये इसी गाड़ी में। ये माता जी के देखो पोस्टर लगे हुए हैं सब पे, ये रश है यहाँ पे। जी भाई ये भी कैलाश कुमार है, हमारे साथ ही आया है। जय माता की, जय माता की। और कौन कौन आया? और मेरी माता जी आई है, और ये मेरा भाई है। भाई है, भाई का नाम क्या है? नरेश कुमार है। नरेश कुमार है, ये छोटू इसका? इसका नाम है दीपक कुमार। दीपक कुमार है, ये भी आए माता जी के दर्शन के लिए। माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखे ना पोस्टर लगाए हुए हैं सारे माता इंगलाज मंदिर के लिए रवाना जो होते हैं। इस तरह पीछे इस बस में भी पीछे पोस्टर लगाए हुए हैं, देखो यहाँ पे ये सारी इंगलाज की बसें। इंगलाज आने के लिए जितनी बसें आती हैं माता इंगलाज के लिए वो बसें। ये बिल्डिंग है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, इसके बराबर में मंदिर है, इसमें चलेंगे हम अभी, शिव का मंदिर है। ये मंदिर के अंदर इंटर हो चुका है, ये सारा मंदिर का हाल दिया हुआ है जहाँ पे यात्री वगैरह आते हैं करते हैं। ये सामने ही मंदिर है आप देख सकते हैं, वहाँ पे चलेंगे हम अभी। जय श्री राम। और वैसे भाई बताएं कैसा लग रहा है शिवजी का मंदिर? बहुत बढ़िया मंदिर है, और ये गुफा के अंदर है। खासियत इसकी ये है कि गुफा के अंदर बना हुआ है, आप उस साइड की गुफा के अंदर है, ऊपर ऊपर हाँ बना हुआ अंदर 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 का अंदर 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 वाले क्षेत्र।
ये था मंदिर। और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताएं। और ये गुफा के अंदर बना हुआ है ना, तो काफ़ी खूबसूरत भी मंदिर है इस वजह से। नाम क्या है? बीजल। बीजल बीजल में भी घूम जाए मंदिर, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ? पहले आए हो? पहले नहीं आए आप? मैं भी आ चुका हूँ पहले। पहले आ चुके हैं। ये मंदिर का बाहर का व्यू है और अंदर गुफा के अंदर ऐसे मंदिर है, अंदर नीचे भगवान शिव जी का और ये माँ शेरावाली की मूर्ति लगी हुई है इस अंदर इस साइड पे। भाई साहब हमने मंदिर वगैरह घूम लिया है, अभी जा रहे हैं वापसी और माता अंगलाज की तरफ यात्रा। तो अभी जो भी मंदिर आएगा वो भी दिखाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा। और ये व्लॉग यहीं तक ही, अभी सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे हम पहुंचे हैं कराची सिटी में। यहाँ पे मंदिर था भगवान शिवशंकर का, यहाँ पे शिवशंकर का मंदिर था, वो घूमा और यहाँ से होके फिर आगे निकलेंगे। बड़े अब सिंध का आखिरी मंदिर था ये। नमस्ते चाचा। ओम नमस्ते। हाँ, जय माता दी। जय माता दी। अंगलाज पे जा रहे हो? अंगलाज पे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो चाचा भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो अभी जो आएगा वो बलूचिस्तान में मंदिर आएंगे, क्योंकि सिंध का ये आखिरी मंदिर था, इसके बाद हम बलूचिस्तान में एंटर हो जाएंगे। कितनी बसें खड़ी है, सारी माता अंगलाज की तरफ जा रही हैं और यहाँ से इस साइड पर भी हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी पीछे वहाँ तक। और ये हमारे बैठने की जगह है छत। रश काफ़ी है, इस वजह से हमें छत पे जगह मिली है और आप भीड़ देख सकते हैं अभी और आगे जाएंगे। तो ये था शिव मंदिर का व्लॉग। तो आपको कैसा लगा, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी अंगलाज यात्रा जितने व्लॉग हैं वो इसी चैनल पर आपको देखने मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी। Yeah, that's it.